नमस्कार, इंडिया पावर न्यूज जुर्म का पर्दाफाश में आपका स्वागत है। इस समय खबर आ रही है भोजपुरी जगत से। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जो बहुत कम समय में भोजपुरी जगत में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी जगत में गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर अभिनेत्री सोनालिका प्रसाद की। अभिनेत्री सोनालिका प्रसाद का जन्म 15 अक्टूबर को पटना बिहार में हुआ था। बचपन से ही सिनेमा के प्रति दीवानगी ने सोनालिका प्रसाद को कक्षा 10 के बाद से ही सिनेमा से जोड़ दिया। कक्षा 10 के बाद से ही सोनालिका ने पटना के लोकल न्यूज़ चैनल में एंकर का काम करना शुरू कर दिया। सोनालिका ने उन चैनलों पर मनोरंजन से संबंधित एंकरिंग किया करती थी। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। इन्होंने ग्रेजुएट तक की शिक्षा प्राप्त की है। बाद में वह ईटीवी चैनल से भी जुड़ी और वहां भी इन्होंने एंकरिंग के लिए सिनेमा से संबंधित खबर ही चुनी। सोनालिका का कहना है कि उनके पिता एक एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश उनका यह सपना पूरा न हो सका। शायद इसी कारण एक्टिंग मेरे खून में है। निर्देशक रजनीश मिश्रा के निर्देशन में बनी फिल्म राज तिलक से भोजपुरी जगत में डेब्यू करने वाली सोनालिका आज लगभग दर्जन भर से ज़्यादा फिल्में कर चुकी हैं, जिनमें केवल राज तिलक ही बड़े पर्दे पर दस्तक दी। इस फिल्म में गोल्डन गर्ल सोनालिका सुपरस्टार अरविंद अकेला उर्फ कलुआ के विपरीत नजर आई थी। इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, खास करके नई नवेली अभिनेत्री सोनालिका प्रसाद के दमदार अभिनय को। सोनालिका प्रसाद ने इस साल कई फिल्में की हैं, जिनमें राज तिलक, लैला मजनू, सड़क, धनिया, कलाकार, गुमराह, ओम जय जगदीश, बड़े मियां छोटे मियां, रॉबिन हुड, पांडे आज फिल्में शुमार हैं। इसमें से अधिकांश फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने को बेकरार है। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां, ओम जय जगदीश और गुमराह में अभिनेत्री सोनालिका प्रसाद भोजपुरी जगत के मेगा स्टार रवि किशन के विपरीत नजर आएंगी, जो अपने में एक बड़ी उपलब्धि है। उम्मीद है कि ये सभी फिल्में साल 2020 में बड़े पर्दे पर धमाल मचाती नजर आएंगी। खास बात ये भी है कि गोल्डन गर्ल सोनालिका प्रसाद ने इस साल लगभग 4 बड़े अवार्ड शो, सबरंग कोलकाता अवार्ड शो, सिंगापुर अवार्ड शो, भोजपुरी फिल्म अवार्ड शो में हिस्सा लिया और सभी में एंकरिंग के साथ साथ अपने मनमोहक परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। साथ ही उन्होंने बिग मैजिक गंगा चैनल पर प्रस्तावित लोकप्रिय प्रोग्राम बिरहा के बाहुबली में भी जुबली स्टार दिनेश लाल यादव के साथ एंकरिंग की है। दिलचस्प खबर ये भी है कि इस साल अभिनेत्री सोनालिका प्रसाद सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही। भोजपुरी जानकारों की माने तो इस वक्त सभी की निगाहें इस दमदार अभिनेत्री पर है। पीआरओ आर्यन पांडे से एक खास बातचीत में अभिनेत्री सोनालिका प्रसाद ने बताया कि वे बहुत उत्साहित हैं अपनी सभी फिल्मों को लेकर। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी कोई भी एक्टिंग कोर्स नहीं की, क्योंकि एक्टिंग मेरे खून में है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में सभी बहुत अच्छे हैं। एक अच्छा इंसान 100 बुरे इंसान पर भारी है। पीआरओ आर्यन पांडे की माने तो अभिनेत्री सोनालिका प्रसाद पहली ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर सबका दिल जीता हो, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि भोजपुरी सिनेमा में जितनी भी नई नवेली अभिनेत्री फेमस या लाइमलाइट में, तो उनके पीछे भोजपुरी के त्रिदेव पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, निरहुआ का हाथ होता है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी नई अभिनेत्री फेमस हुई वह भोजपुरी के त्रिदेवों के साथ काम करके ही हुई हैं, चाहे वह पवन सिंह के साथ काम की हो या खेसारी और निरहुआ के साथ। फिलहाल अभिनेत्री सोनालिका प्रसाद अपनी बड़ी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां, गुमराह और ओम जय जगदीश की शूटिंग में व्यस्त हैं।